बिहार के नवादा में दबंगों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। यहाँ कुछ दबंगों ने बुधवार की शाम को महादलितों की पूरी बस्ती में आग लगा दी, जिसमें कई झोपड़ियां जलकर राख हो गई। दलित बस्ती में घरों को जलाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। राज्य के कांग्रेस समेत सभी प्रमुख विपक्षी दलों ने नीतीश सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है, जहां कांग्रेस समेत सभी विपक्षी नेता इस दलित बस्ती में 80 से अधिक घरों में आग लगने की बात कर रहे हैं। वहीं इस मामले में नवादा पुलिस का कहना है कि जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ननौरा के पास स्थित कृष्णानगर दलित बस्ती में 21 घरों में ही आग लगाई गई। पुलिस के मुताबिक करीब 21 झोपड़ियां पूरी तरह जलकर खाक हो गई, जबकि पीड़ित कह रहे हैं कि महादलित टोला में जितने झोपड़े थे सब जल गए। वहीं इस पूरे मामले पर अब जमकर राजनीति भी देखने को मिल रही है। राहुल गांधी से लेकर लालू यादव तक बिहार की एनडीए सरकार की आलोचना कर रहे हैं। आइए आपको सबसे पहले सुनवाते हैं नवादा की घटना पर लालू यादव और तेजस्वी यादव ने अपने बयान में क्या कहा है। बहुत गलत है ये, अगर ऐसा हुआ है तो कोई कानून व्यवस्था नहीं है बिहार में। नीतीश कुमार फेल है, साफ पता चल रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार में लगातार जो है इस तरह के काम हो रहे हैं। जो भी दोषी है, जिन लोगों ने भी आग लगाई है, उन लोगों को जो है गिरफ्तार जो है करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। मांझी जी केंद्र मंत्री भी है, केंद्र मंत्री का दर्जा होता है, और जो भी बात उन्होंने कही उनको तथ्यों से लेना देना नहीं। मांझी जी उनका बेटा आरएसएस स्कूल से पढ़ा लिखे लोग, जो आरएसएस के लोगों ने थमा दिया उसको केवल वही जो है पढ़े, तथ्य से सच से उनका कोई वास्ता नहीं है। और भाई केंद्र मंत्री है, जाए ना मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम दिए हैं क्या, मिले हैं क्या, किनकी सरकार है? दिल्ली से लेकर के बिहार तक तो उन्हीं की सरकार है। जिन लोगों ने आग लगाई जाओ पकड़ो जेल में डालो, क्या दिक्कत है? लेकिन बिना तथ्यों के जानकारी के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने भी इस घटना को लेकर बिहार सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, नवादा में महादलितों का पूरा टोला जला देना, 80 से ज्यादा परिवारों के घरों को नष्ट कर देना बिहार में बहुजनों के विरुद्ध अन्याय की डरावनी तस्वीर उजागर कर रहा है। अपना घर संपत्ति खो चुके इन दलित परिवारों के चित्कार और भयंकर गोलीबारी की गूंज से वंचित समाज में मचा आतंक भी बिहार की सोई हुई सरकार को जगाने में कामयाब नहीं हो पाया। सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों के नेतृत्व में ऐसे अराजक तत्व शरण पाते हैं, भारत के बहुजनों को डराते हैं, दबाते हैं ताकि वो अपने सामाजिक और संवैधानिक अधिकार भी ना मांग पाए, और प्रधानमंत्री का मौन इस बड़े षड्यंत्र पर स्वीकृति की मुहर है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, बिहार सरकार और राज्य पुलिस को इस शर्मनाक अपराध के सभी दोषियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई कर और पीड़ित परिवारों का पुनर्वास कराकर उन्हें पूर्ण न्याय दिलाना चाहिए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए एक्स पर लिखा, बिहार के नवादा में महादलित टोला पर दबंगों का आतंक एनडीए की डबल इंजन सरकार के जंगलराज का एक और प्रमाण है। बेहद निंदनीय है कि करीब 100 दलित घरों में आग लगाई गई, गोलीबारी की गई और रात के अंधेरे में गरीब परिवारों का सब कुछ छीन लिया गया। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की दलितों वंचितों के प्रति घोर उदासीनता, आपराधिक उपेक्षा व असामाजिक तत्वों को बढ़ावा अब चरम पर है। प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा की तरह मौन हैं, नीतीश जी सत्ता के लोभ में बेफिक्र हैं और एनडीए की सहयोगी पार्टियों के मुंह में दही जम गई है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी नवादा की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने कहा कि बिहार के नवादा में दबंगों द्वारा गरीब दलितों के काफी घरों को जलाकर राख करके उनका जीवन उजाड़ देने की घटना दुखद और गंभीर है। सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के साथ ही पीड़ितों को पुनः बसाने की व्यवस्था के लिए पूरी आर्थिक मदद भी करे। दलितों के लिए अपनी आवाज बुलंद करने वाले लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि दलित बस्ती में 80 घरों में आगजनी व गोलीबारी की घटना जंगलराज का जीता जागता उदाहरण है। हमारे प्रदेश की टीम ने आज घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात करेगी। पीड़ितों में भय का माहौल है। चंद्रशेखर आजाद ने मामले में नीतीश कुमार सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। आगे उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं कि मामले में संलिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर भय का यह माहौल शीघ्र खत्म करके कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति के लिए व पीड़ितों की आर्थिक मदद का हर संभव प्रयास करें और साथ ही मामले के न्यायिक जांच की भी मांग करता हूं। जहां विपक्ष इस घटना को लेकर सरकार पर हमलावर है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस पर पलटवार किया। आपको सुनवाते हैं मांझी ने क्या कुछ कहा। मुसहर और चमार जाति के लोग बरसों से एक जगह पर रह रहे हैं, दुसाद जाति के भी लोग वहां पर रह रहे हैं, लेकिन यही
विरोधी दल के लोग और खास करके जो यादव समाज के लोग हैं वे लोग जमीन के ये में एक आध दुगो विशाल जाति के लोगों को अपना पक्ष में कर करके उनको आगे बढ़ा करके यहाँ घटना का अंजाम दिया है, जिसका प्रमाण यह है कि पुलिस जब पकड़ाधरी किया है तो 12 को ज्यादा भी लोग पकड़े गए हैं। तो इससे साबित यही हो रहा है कि समूचे बिहार में वो लोग अभियान चला रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट जी जमीन पर रह रहा है तो न रह रहा है तो सब जमीन को अपना कब्जा में लेकर के उसको अपना मकान बनाते हैं या बेचते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। दलित नेता है कौन? दलित नेता जीतन मांझी क्या नहीं है? दलित मांझी दलित तो शुरू से बोल रहा है। विधानसभा में जब विधानसभा के सदस्य थे उस समय भी हमने कहा था कि बिहार में 70% परमाना पर्चा का जमीन है, एक पार्टी विशेष के लोगों के कब्जे में है, कब्जा किया जा रहा है, उस पर सरकार ध्यान दे। तो जब बिहार विधानसभा में जीतन मांझी बोल सकता तो जीतन मांझी तो दलितों में भी सबसे दलित आदमी है जो उसने कहा है, तो इस बात का तो लोगों को समझदारी होनी चाहिए। चिराग पासवान ने भी इस घटना को बेहद शर्मनाक बताया है। चिराग ने अपने ट्वीट में लिखा कि बिहार के नवादा में दबंगों और अपराधियों द्वारा महादलित टोले के लगभग 80 घरों में आग लगाने की खबर बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। एनडीए सरकार का प्रमुख सहयोगी होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं कि ऐसे दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए और पीड़ितों की आर्थिक मदद का हर संभव प्रावधान करें। साथ ही मामले की न्यायिक जांच की भी मांग करता हूं ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी घटना करने की हिमाकत न करे। पीड़ित परिजनों के प्रति मेरी और मेरी पार्टी की गहरी संवेदना है और जल्द ही घटनास्थल का दौरा कर परिजनों से मुलाकात करूंगा। जहां इस पूरे मामले पर जमकर राजनीति देखने को मिल रही है, वहीं नवादा पुलिस का कहना है कि पहली जांच से पता चला है कि बुधवार शाम हुई सागजनी की घटना के पीछे भूमि विवाद का कारण हो सकता है। पुलिस का कहना है कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों को हिरासत में लिया है और अन्य आरोपों की तलाश जारी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।